मैं इस चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि लोग IIM से ही क्यों MBA करना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में जब भी कोई MBA का एडमिशन लेने के बारे में सोचना शुरू कर देता है तो हमारे दिमाग में पहला नाम आता है IIM। क्या है ये IIM? IIM का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं भारतीय प्रबंध संस्थान। तो भारत में बहुत सारे भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं जो गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं। तो जब भी कभी हम MBA के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दो सवाल आते हैं, MBA और IIM। तो IIM और MBA, इन दोनों में काफ़ी तगड़ा कनेक्शन है। जब भी हम कोई MBA के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है IIM का। जब भी कोई लड़का या लड़की MBA के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो उनको हर एक का सपना होता है कि मुझे MBA करना है IIM से, दैट उसको बोलते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से। तो भारत में तकरीबन 20 से ज़्यादा IIM सेंटर्स हैं, IIM इंस्टीट्यूशंस हैं, और हर एक को लगता है कि मुझे MBA जो करना है वो IIM से करना है। तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे क्या रीजंस है, हर एक को क्यों लगता है कि मुझे MBA IIM से करना है? तो हर एक के पीछे, हर एक के दिमाग में अलग अलग सवाल है और हर वो सवाल का जवाब इस वीडियो के दौरान आपको मिलने वाला है। तो सवाल बहुत सारे हैं, क्यों लोग MBA IIM से ही करना चाहते हैं, भारत में कितने इंस्टीट्यूट्स हैं जो IIM के इंस्टीट्यूट हैं, और अगर हमें IIM में एडमिशन लेना है तो कौन सा एंट्रेंस टेस्ट हमें देना होगा, कौन सी एंट्रेंस टेस्ट हमें देनी होगी, ये सारे सवाल हैं हमारे दिमाग में और उस सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाला है। मेरे सभी सुनने वालों को एक दरख्वास्त है, अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, साथ में जो भी बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी आप प्रेस करो ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपको आने वाले फ्यूचर में मिलते रहेंगे। तो आप सबको जो सवाल है आपके दिमाग में, जो सवाल है जैसे कि MBA करना है, MBA के बारे में हम जब सोचते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो उस के बारे में बहुत सारे सवाल हैं और उस सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के दौरान मिलने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। जो भी मेरे चैनल में नए हैं, एकेडमिक इनसाइट से मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब करना है। जो भी सब्सक्राइब का बटन वहाँ पर दिख रहा है उसको प्रेस करो और ऑटोमेटिकली आपका चैनल, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना है ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, MBA एडमिशंस और वो भी IIM में। जो IIM बेंगलोर और IIM अहमदाबाद हैं, काफ़ी पुरानी भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं जो इंडिया में चलती हैं, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया है कि भारत में तकरीबन 20 से ज़्यादा IIM इंस्टीट्यूशंस हैं और इसमें लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं। उसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं, बहुत सारे लोग, और जब भी हम MBA के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम हमारे दिमाग में आता है IIM। तो तकरीबन 20 इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से हम MBA कर सकते हैं, जो IIM गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको चलाती हैं। तो देखते हैं हम कौन सी वो इंस्टीट्यूशंस हैं और क्यों हम वहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हर एक बंदे को, हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक कैंडिडेट को वहाँ पे एडमिशन लेना उनका एक सपना होता है और उनके हिसाब से वो अटेम्प्ट भी करते हैं, एफर्ट्स लेते हैं। तो हम देखेंगे MBA और IIM में ऐसा क्या कनेक्शन है कि लोग और वहाँ पे बच्चे वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। साथ ही में जो हम देखेंगे कि लोग IIM से ही MBA क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्या कनेक्शन है जो बाकी के कॉलेजेस में नहीं है, ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पे जो मिलती है जो बाकी के कॉलेजेस में नहीं मिलती हैं। तो देखेंगे हम क्या है उसके पीछे रीजंस। पहला रीज़न है MBA, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं IIM, जो ये जो प्रबंधन है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया जाता है, वो ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है जो मैनेजमेंट एजुकेशंस ऑफर कर रही हैं। और जैसे कि मैंने बोला, अभी तक भारत में 20 से ज़्यादा IIM के इंस्टीट्यूशंस अभी काफ़ी बहुत सारे मैनेजमेंट कोर्सेज ऑफर कर रही हैं। और जहाँ तक कैंपस प्लेसमेंट की बात है, इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बहुत सारा काफ़ी तगड़ा प्लेसमेंट दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है अगर आपका एडमिशन IIM में हो गया तो आपका प्लेसमेंट भी 100% हो गया। उसके बाद आता है कोलैबोरेशन इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे ये जो भी IIM के संस्थान हैं उनकी प्रबंधन है, उन्होंने काफ़ी तगड़ा कोलैबोरेशन इंडस्ट्रीज़ के साथ किया है।
और नॉट ओनली इन इंडिया दे हैव क्रिएटेड कोलेब्रेशन विद अदर इन फॉरेन कंपनीज ऑल्सो, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन है। उसके बाद जैसे कि मैंने बोला, इन्होंने इंटरनेशनल कोलेब्रेशन भी काफ़ी तगड़ा किया है, उनके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, MOUs हैं, और इसका पूरा फ़ायदा स्टूडेंट्स के और कैंडिडेट्स के प्लेसमेंट में होता है। और रही बात फैकल्टीज़ की, जो भी लोग IIM में पढ़ाते हैं, जो टीचर्स हैं, वो जो वहाँ पे जो प्रोफेसर्स हैं, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ देयर यू नो क्या बोलते हैं हम उसको, उनका एक्सपीरियंस है, काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस उनके साथ है। और ये सभी चीज़ें हर एक कैंडिडेट को IIM की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए MBA और IIM का काफ़ी तगड़ा कनेक्शन है। जब भी हम MBA के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम अपने दिमाग में आता है और वो होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट्स, और यहाँ से लोग MBA करना चाहते हैं। उसके पीछे ये सारे रीजंस है जो हमें भी पता है। आगे जाके हम देखेंगे कि अगर हमें इस IIM में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा। वहाँ पे दो प्रकार के टेस्ट वहाँ पे होते हैं। पहला टेस्ट होता है CAT, जिसको हम बोलते हैं कॉमन एंट्रेंस, सॉरी उसको हम बोलते हैं कॉमन्स एडमिशन टेस्ट, और जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम CAT। अगर हमें IIM जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है, प्रोसीजर कंप्लीट करना है, तो पहला रिक्वायरमेंट है आपके पास डिग्री होना चाहिए और साथ ही में आपने ये CAT एग्जामिनेशन क्लियर करना ज़रूरी है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन और एक है GMAT, हम उसको बोलते हैं जनरल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड, सॉरी ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। ये दोनों टेस्ट आपको देना है, इसमें से कोई भी एक टेस्ट आपने क्लियर किया है तो आपको IIM में एडमिशन मिलेगा और आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। दो एलिजिबिलिटी की चीज़ें हैं वहाँ पे, पहले आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होना है, दूसरे साथ में आपको कोई भी एक टेस्ट जो वहाँ पे लिखा है CAT और GMAT, जिसको हम GMAT बोलते हैं, आपको क्लियर करना है, उसके बाद ही आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और उसके बाद हम देखेंगे भारत में अब तक कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जो IIM के इंस्टीट्यूशंस हैं। तकरीबन 20 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस IIM ने अब तक इंडिया में इस्टेब्लिश किए हैं, उनका और भी इस्टेब्लिशमेंट बढ़ रहा है। तो आज की घड़ी में भारत में 20 से ज़्यादा IIM के इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैनेजमेंट कोर्सेस, मैनेजमेंट प्रोग्राम्स लोगों को ऑफर कर रहे हैं। तो ये हैं मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन जिनके द्वारा भारत में, पूरे भारत में एक तगड़ा और अच्छा, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट का कोर्स, MBA का कोर्स लोगों को ऑफर किया जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो मुझे लगता है काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही में जो बेल आइकॉन दिख रहा है उसको भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि इस प्रकार के वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे अगर इस प्रकार के IIM इंस्टीट्यूशंस में हमें एडमिशन लेना है तो कितना फ़ी होगा, कितना फीस स्ट्रक्चर होगा, और कितना परसेंटाइल हमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं CAT और GMAT में मिलना ज़रूरी है, इसके बारे में भी मैं वीडियो आपको देने वाला हूं। और जैसे कि मैंने बोला, अगर वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उसके बाद बेल आइकॉन प्रेस कीजिएगा, साथ ही में अगर ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, साथ ही में ये वीडियो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, आपको दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में कमेंट लिखना ना भूलिएगा, ताकि हम इसको और अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे अगर IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एडमिशन लेना है तो क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या परसेंटाइल होना ज़रूरी है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।